ये इमेज है एक स्पाइरल गैलेक्सी एनजीसी 4254 की। ये इमेज एक सर्वे में प्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम था फैंग्स। ये सर्वे हमारे आसपास की गैलेक्सीज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए कंडक्ट किया गया था। इन इमेजेस को प्रोड्यूस करने का पर्पस था ताकि एस्ट्रोनॉमर्स और भी डिटेल में गैलेक्टिक एनवायरमेंट्स को स्टडी कर सके। बात करें इसकी लोकेशन की तो ये नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशन कोमा बेरेनिस में प्रेजेंट है, और लैटिन में कोमा बेरेनिस का मतलब है बेरेनिस हेयर, जो कि रेफर करता है क्वीन बेरेनिस टू ऑफ इजिप्ट को, जिन्होंने अपने लंबे बालों को एक रिलीजियस ऑफरिंग के लिए सैक्रिफाइस किया था। ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 49 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। इस इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए दो डेटास का यूज किया गया है, जिसमें से एक डेटा के लिए उन्होंने यूज किया है VLT, विच इज वेरी लार्ज टेलीस्कोप, जो कि एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है विच इज ओन्ड बाय यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी, और सेकेंड डेटा के लिए यूज किया है ALMA, विच इज अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव रेडियो टेलीस्कोप है, और ये उन कॉस्मिक लाइट्स को स्टडी करता है जिनकी वेवलेंथ रेडियो और इंफ्रारेड के बीच फॉल करती है, और इसका यूज यूनिवर्स में मॉलिक्यूलर गैसेस और डस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। इस इमेज में ब्लू और पर्पल वाला पार्ट BLT के डेटा को शो करता है, जो बताता है कि गैलेक्सी में स्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और रेड और ऑरेंज वाला पार्ट शो करता है ALMA के डेटा को, और ये कोल्ड क्लाउड्स ऑफ गैसेस को रिप्रेजेंट करता है जो इन फ्यूचर कोलैप्स होकर स्टार्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन्हीं दो डेटास का यूज करके ये इमेज प्रोड्यूस की गई है, और इसके पाइन व्हील शेप की वजह से इसे कोमा पाइन व्हील भी कहा जाता है। इस गैलेक्सी को एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पायरे मकेन ने 17 मार्च 1781 में डिस्कवर किया था, पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम इस गैलेक्सी को और भी डिटेल में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।